नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश ओझा और स्वागत है आपका एनटीवी न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष आपके अपने पसंदीदा ट्रांसपोर्ट न्यूज चैनल पर। आज हम बात करेंगे दिल्ली सरकार की। दिल्ली सरकार की बात करना इसलिए भी आज जरूरी है क्योंकि दिल्ली सरकार सैकड़ों करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्च कर ये बताती है कि वो किस तरह दिल्ली की जनता के लिए अच्छे काम कर रही है। वो बार बार ये बताने की कोशिश करती है कि किस तरह दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता के लिए बहुत सी योजनाएं लेकर आई है जिससे दिल्ली की जनता को राहत मिल रही है। विज्ञापनों के माध्यम से दिल्ली सरकार लगातार ये बताने की कोशिश करती है कि दिल्ली की जनता सबसे खुश है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी। हर छोटे छोटे मुद्दे पर विज्ञापन के माध्यम से टीवी पर आकर अपनी बात कहना कोई नई बात नहीं है। पूरे देश में मुद्दा कहीं का भी हो, विज्ञापन के माध्यम से दिल्ली सरकार के मुखिया और आम आदमी पार्टी के चीफ और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आखिर बताते हैं कि उनकी सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली सरकार जो बड़े बड़े वादे और बड़ी बड़ी राहत देने की बातों को जो दावा करती है वो दावे कहीं ना कहीं बिल्कुल फ्लॉप है। दावे इसलिए फ्लॉप है कि हर बार दिल्ली सरकार जो ये कहती है कि वो दिल्ली की जनता के काम कर रही है, दिल्ली की जनता के लिए अच्छे काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं एक झूठ की तरह लगते हैं। क्योंकि जिन कामों को दिल्ली सरकार जनता के लिए करने चाहिए थे, जिन कामों को वो काम दिल्ली सरकार नहीं करती और दूसरे कामों में लगती है। ट्रांसपोर्ट को किसी भी अर्थव्यवस्था का बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। लेकिन दिल्ली सरकार में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को जितना नुकसान और जितना तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है शायद किसी सरकार में न गुजरना पड़ा। आज हम आपको बात करेंगे, आज हम आपको बताएंगे कि दिल्ली सरकार किस तरह ट्रांसपोर्ट ट्रेड के लिए खतरनाक साबित हो रही है। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर लेबर एंड वेलफेयर एसोसिएशन टोलवा के अध्यक्ष संजय बाटला, उन्होंने अपने एक लेख में दिल्ली सरकार की पूरी योजनाओं की पोल खोल दी और उन्होंने ये बताया कि कैसे दिल्ली सरकार ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को बर्बाद कर रही है और तबाह कर रही है। उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए, उन पॉइंट्स पर हम आपको लेकर चलते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि विज्ञापनों में खर्च करने वाला पैसा महज एक मजाक बनकर रह गया। पहले पॉइंट पर उन्होंने बताया कि दिल्ली की सड़कों से जनता की भरोसेमंद और कानून में बंधे सभी वाहन और कानूनन में बंधे सभी वाहन खत्म करने का संकल्प शायद दिल्ली सरकार ले चुकी है, जिसके तहत डीटीसी की बसें और मिनी स्टेट कैरिज बसें और आरटीपी बसें आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। अपने कार्यकाल में डीटीसी की कोई बस न खरीदना और स्टेट मिनी कैरिज और मिनी स्टेट कैरिज बसों का और आरटीपी बसों के ऊपर कोई ध्यान न देना, ये बताता है कि दिल्ली सरकार शायद इन वाहनों को सड़कों से खत्म कर देना चाहती है। फेस फ्री के नाम पर फ्री सेवा मिलने वाले सभी काम बंद, जैसे विभाग में जमा की जाने वाले सुविधा टैक्स फीस आदि, इन सबको भी फेस फ्री के नाम पर बिल्कुल बंद कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन में पेमेंट के नाम पर जनता को गेटवे ऑप्शन न देकर वेब वालों से लुटवाना, यानी सिर्फ एक रुपए के माध्यम से आप पेमेंट लेते हैं और जो नहीं दे पाता तो वो दूसरे वेब साइबर कैफेज में जाते हैं और वहां पर उनको बहुत पैसा देना पड़ता है, जिससे ये भी लगता है कि शायद ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को भी कहीं ना कहीं यहां से नुकसान हो रहा है। दिल्ली की सड़कों पर बिना लाइसेंस बैज धारक वाले ई रिक्शा चलवाना, जिन पर कोई रोक नहीं है, एक हेलमेट न होने पर लगातार चलान हो जाते हैं, एक मास्क न लगाने पर 2,000 का चलान है और टोटली इलीगल जो ई रिक्शा चल रहे हैं सड़कों पर उनका कोई कार्रवाई नहीं करना बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार करके समय पूरे हो चुके ई रिक्शा चलवाना, यानी जो ई रिक्शा की जो लाइफ है वो समाप्त हो चुकी है और उसके बाद भी उनको चलवाना, ये बताता है कि दिल्ली सरकार एक बहुत गलत दिशा की तरफ जा रही है और ई रिक्शा को बढ़ावा दे रही है जो टोटली इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ने जो सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर यह भी रहा कि मोटर व्हीकल एक्ट जो अभी नया अमेंडमेंट हुआ और जो केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की तरफ से एक आदेश ये भी दिया गया कि जो भी लाइसेंस धारक अगर अपने लाइसेंस से कोई कैटेगरी हटवाना चाहता है तो वो आसानी से हटा सकता है, लेकिन हमारी दिल्ली सरकार शायद दूसरे कामों में इतना व्यस्त है कि उसको इस तरफ ध्यान नहीं दिया, जिससे लाइसेंस धारक जो जिनकी जो कैटेगरी हटवाना चाहते हैं उनसे उनको बड़ी राहत मिल जाती, उस तरफ भी वो ध्यान नहीं दे पाई। बाटला ने साथ में लिखा कि इस तरह से हम और भी मुद्दे लाते रहेंगे जो बताएंगे कि दिल्ली सरकार अपना सारा फोकस सिर्फ विज्ञापनों पर लगाती है और जिससे वास्तव में जनता को फायदा हो सकता है उस तरफ दिल्ली सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे पर। आपको न्यूज कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा और वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि दिल्ली सरकार तक पहुंचे और उनको मालूम पड़ सके कि आप जो दिल्ली की जनता है वो आपसे पूरी तरह से खुश नहीं है और आपको भी बहुत काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।